Till paragraph 13 of chapter 1 The Boy Who Broke the Bank. Now I will start from paragraph 14. So listen to me carefully, and you have to sit with a notebook. You have to note down all important words, phrases, etc. that I will detail. I will

मतलब बिल्कुल सीधा होकर बैठना पीठ का पोजीशन आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा इसी पोजीशन को सिटिंग अब बोला जाता है इसका एक और मीनिंग होता है टू स्टे अवेक जागते रहना तो मिस्टर जुगल किशोर बिल्कुल अचानक से बिल्कुल सीधा होकर बैठ गए और उन्होंने पूछा विच बैंक कौन सा बैंक वाई सेठ गोविंद राम्स से बैंक ऑफकोर्स बेशक क्यों सेठ गोविंद राम का बैंक आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग देयर एम्प्लॉज नो सैलरी फॉर ओवर थ्री मंथ्स मैंने सुना है कि उन लोगों ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने से मना कर दिया सैलरी देना रोक दिया पिछले तीन महीनों से किसी को कोई सैलरी नहीं मिली डोंट टेल में यू हैव एन अकाउंट विद मिस्टर किशोर मिस्टर किशोर मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा उस बैंक में एक अकाउंट है नो बट माई नेबर हैज नहीं मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे पड़ोसी का है ही सेड उन्होंने कहा मिस्टर जुगल किशोर ने एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर नेक्स्ट डोर का मतलब है ठीक बगल में तो उनके जो ठीक बिल्कुल बगल की दुकान थी एक नाई की दुकान थी उन्होंने वहाँ के जो ओनर थे कीपर थे उनको बुलाया उनका नाम था फैज हुसैन मिस्टर किशोर ने कहा फैज हुसैन हैव यू हर्ड द लेटेस्ट लेटेस्ट हियर रेफर्स टू लेटेस्ट न्यूज़ करंट न्यूज़ फैज हुसैन क्या आपने अभी करंट न्यूज़ सुना है करंट समाचार सुना है सेठ गोविंद राम बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स सेठ गोविंद राम का बैंक बिल्कुल विनाश के कगार पर है खत्म होने के कगार पर है कोलैप्स का मीनिंग यहां दिया है फॉल एंड लूज ऑल इट्स मनी मतलब पूरी तरह से विनाश के कगार पर है तबाही के कगार पर है यू हैड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम अब यू के बाद एपोस्ट्रॉफी देकर जो डी है और उसके बाद बेटर है तो इसका मतलब वहां पर यू हैड होगा अगर यहाँ बेटर नहीं होता तो उसका मतलब वुड हो सकता था और हैड बेटर इज सिमिलर टू शुड इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस टू समन शुड के जैसा होता है इसका प्रयोग किसी को सलाह वगैरह देने में की जाती है तो उन्होंने कहा कि यू हैड बेटर टेक योर मनी आउट अच्छा होगा कि आप अपने पैसे निकाल लो वाइल देयर इज स्टिल टाइम जबकि अभी कुछ समय है अच्छा यही होगा कि आपको अपने पैसे वहाँ से निकाल लेने चाहिए फैज हुसैन हु देयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन एक उम्र दराज सज्जन व्यक्ति थे फैज हुसैन उनके हेयर कटिंग कर रहे थे वाज़ सो स्टार्टलेट स्टार्टलेट का मतलब शॉक्ड वो इतने ज्यादा हैरान हो गए थे दैट हिज हैंड शुक कि उनका हाथ कांपने लगा था एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर और एक्सीडेंटली उनसे अपने कस्टमर के राइट right ईयर में दाहिने कान में कट लग गया यानी टू मेक एक्सीडेंटल कट द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन येल्प का मतलब ही होता है क्राई विथ पेन दर्द से कराहना चिल्लाना कस्टमर तो भाई दर्द से चीख पड़ा एंड डिस्ट्रेस वो निराश भी था दुखी भी था डिस्ट्रेस यानी सैड अनहैप्पी पेन बिकाउज ऑफ द कट दर्द हुआ कट की वजह से एंड डिस्ट्रेस बिकाउज ऑफ द आवरफुल न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड और दुखी हुआ वो इतनी बुरी खबर सुनकर जो उसने अभी सुना था और बोलते हैं बैड अनप्लीजेंट को विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टील अनशॉर्न उनके गर्दन के एक तरफ का जो हेयर था अभी भी बिना कटे हुए था अनशॉर्न का मतलब होता है अनकट विदाउट कटिंग अनसॉन्न वर्ड शॉर्न से बना है और शॉर्न जो होता है वो शेयर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है शेयर का मतलब एक्चुअल मीनिंग जो होता है शेयर का वो होता है टू कट वुल फ्रॉम द शिप ये भेड़ वगैरह का जो पालन किया जाता है वुल के लिए उनके शरीर से जो वुल को काट लिया जाता है शेयर का यही मीनिंग होता है तो शेयर का मतलब यहाँ क्या हुआ कट तो शेयर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ शॉर्न और उसी से बना अनसॉर्न यानी विदाउट कटिंग बिना कटे हुए ही लिफ्ड आउट ऑफ हि चेयर लिफ्ट मतलब होता है जंप्ड वो अपने कुर्सी पर से बाहर उछल पड़े एंड अस्पीड अक्रॉस द रोड टू अ जनरल स्टोर वेयर देयर वाज अ टेलीफोन रोड के उस तरफ बड़ी तेजी से वो एक जनरल स्टोर की तरफ गए जहां पर एक टेलीफोन था स्पीड जो है वो स्पीड से बना है स्पीड का प्रयोग जब भर्व के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है टू मूव फास्ट और यहाँ पर उसी का पास्ट फॉर स्पेड है वो रोड के उस पार एकरोस द रोड रोड के उस पार एक जनरल स्टोर की तरफ बड़ी तेजी से गए जहाँ पर एक टेलीफोन था ही डायल्ड सेठ गोविंद राम सेठ गोविंद राम से नंबर उन्होंने सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया डायल का मतलब तो आप समझ ही रहे हो नंबर डायल करना नंबर मिलाना इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पुश द बटन्स और डायल द नंबर्स द सेठ वाज नॉट एट होम सेठ साहब घर पर नहीं थे वेयर वाज ही देन तब वो कहाँ थे द सेठ वाज होली डे इन कश्मीर तो सेठ साहब तो भाई कश्मीर में छुट्टियाँ बिता रहे थे ओह वाज़ दैट सो अच्छा तो ये बात थी द एल्डरली जेंटल माइन डिड नाट बिलीव इट वो जो उम्र दराज व्यक्ति थे जो हेयर कटिंग जिनका हो रहा था उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ Holiday का प्रयोग जब भर्व के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है टू स्पेंड वैकेशन ही hurried बैक टू द बार्बर शॉप हरिड बैक का मतलब होता है रश्ड बैक तेजी से वापस आना रिटर्न बैक क्विकली रैपिडली hurried बैक का यही मतलब होता है वो फिर से तेजी से वापस बार्बर की दुकान पर आए टोल्ड फैज हुसैन फैज हुसैन को कहा द बर्ड हैज फ्लोन पक्षी तो उड़ चुका है फ्लोन फ्लाई का भी थ्री फॉर्म होता है फ्लाई फ्लू फ्लोन तो पक्षी यहाँ वाट डज द बर्ड हियर रेफर टू द बर्ड हियर रेफर्स टू सेठ गोविंद राम सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन सेठ गोविंद राम तो शहर छोड़कर भाग गए भाग चुके हैं डेफिनेटली इट मे इंस एक्कोलैप्स निश्चित रूप से इसका मतलब बैंक का तबाह होना है दिवालिया होना है आई विल हैव द रेस्ट ऑफ माई हेयर कट एन टाइम मैं अगली बार किसी और समय बाकी का अपना हेयर कट करवा लूंगा एंड देन ही डैस्ड आउट ऑफ द शॉप डैस्ड आउट का मतलब भी होता है रैन आउट रस्ड आउट तेजी से जाना हड़बड़ी में जाना मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक मेकिंग अ बी लाइन का मतलब दिया है वेंट क्विकली एंड डायरेक्टली टू हिज ऑफिस एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है वेंट क्विकली तेजी से जाना ऑफिस की तरफ जाना यहाँ पर मतलब ये हुआ अपनी ऑफिस में और तेजी की तरफ वहाँ से गए एंड चेक बुक चेक बुक के लिए द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ ए फॉरेस्ट फायर रैपिडिटी का मतलब स्पीड हुआ पेश हुआ गति तेजी ये खबर जो थी पूरे बाजार में जंगल के आग की गति से फैल गई फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रेवल टू द टी शॉप जनरल स्टोर से खबर टी शॉप तक पहुंची सर्कुलेटेड अमाउंट्स द कस्टमर कस्टमर के बीच में सारी खबर फैल गई एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस टू द पान सेलर्स और फिर उन कस्टमर्स के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में खबर फैल गई पान सेलर के पास पान की दुकान वाले के पास टेलर के पास दर्जी के पास फ्रूट वेंडर फल वाले के पास ज्वेल ज्वेलर ज्वेलरी वाले के पास एंड द बेगर यहाँ तक कि फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी तक भी ये खबर जंगल की आग की तरफ हर जगह फैल गई मेन स्टूड इन ग्रुप सेट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन गलियों के नुक्कड़ चौराहों पर लोग झुंड के झुंड बैठकर इस बारे में विचार कर रहे थे चर्चा कर रहे थे खड़े होकर बैठकर हर जगह यही चर्चा हो रही थी द स्मॉल टाउन इन द हिल्स सेल्डम हैड अ क्राइसिस पहाड़ की तलहटी में बसे हुए इस छोटे से शहर में संकट समझो कि आज तक कभी आया ही नहीं था सेल्डम का मतलब होता है रेयरली बेयरली स्कैर्सली ये एडवर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है इसका मतलब होता है दुर्लभ ना के बराबर अर्थात तो उस जो पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ वो छोटा सा जो शहर था वहाँ पर क्राइसिस तो ना के बराबर था एंड नेवर हैड फ्लड्स अर्थक्स और ड्राउट ना तो कभी बाढ़ आया ना भूकंप ना कभी सूखा पड़ा एंड सो द इमिनेंट क्रैश ऑफ द लोकल बैंक सेट एवरी वन टॉकिंग एंड स्पैकुलेटिंग एंड रसिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन अबाउट टू हैपन वेरी सुन ऐसी सामान्यतः कोई अनप्लीजेंट इवेंट खराब घटना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो लगभग होने वाला हो, होना जिसका तय हो उसी को इमिनेंट बोलते हैं और क्रैश का मतलब कोलैप्स हुआ तो ये जो लगभग कोलैप्स होने वाली जो घटना थी लगभग बैंक का कोलैप्स जो होने जा रहा था सेट एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात करने लगे थे क्योंकि ऐसा सिचुएशन सामान्यतः उस शहर में कभी हो महसूस किया बात करने लगे थे एंड speculating एंड रशिंग अबाउट इन अ frenzy. Speculate मतलब गेस होता है अनुमान लगा रहे थे आशंका व्यक्त कर रहे थे एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी फ्रेंजी का मतलब दिया है अ स्टेट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और anxiety. बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति में लोग यहाँ वहां भाग दौड़ कर रहे थे बड़े चिंतित थे सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस बोस्ट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ अपनी प्रशंसा स्वयं करना और टू टॉक अबाउट वंस फेवर वंस प्रेज वंस एप्रिसिएशन अपनी प्रशंसा में बातें करना हिंदी में एक शब्द होता है आत्म प्रशंसा करना बोस्ट का यही मतलब होता है सम बोस्टेड ऑफ देयर फारसाइटेडनेस फारसाइटेडनेस का मतलब हिंदी में एक शब्द होता है दूरदर्शिता विजनरी जिसको बोलते हैं लोग अपनी दूरदर्शिता को लेकर कुछ लोग तो आत्ममुग्ध थे अपनी प्रशंसा की बातें स्वयं कर रहे थे फारसाइटेंडनेस का मतलब यहाँ दिया है विजडम दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर भविष्य की किसी घटना का पूर्वानुमान लगा लेना इसी को फारसाइटेडनेस बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेटिंग दैमसेल्फ्स स्वयं अपने आप को बधाइयाँ दे रहे थे ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी पैसा पहले ही निकाल लेने के लिए और ऑन नेवर हैविंग पुट एन और ना ही कभी उसमें एक पैसा रखने के लिए लोग बड़े खुश थे अपनी बुद्धिमानी पे खुश थे कि भाई मैंने तो पैसा पहले ही निकाल लिया या मैंने तो कभी उसमें पैसा जमा ही नहीं किया अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन्स फॉर द क्रैश दूसरे लोग बैंक क्रैश होने के कारणों का अंदाजा अंदेशा लगा रहे थे अनुमान लगा रहे थे गेस कर रहे थे पुटिंग इट ऑल डाउन टू सेठ गोविंद राम प्लेजर लविंग वेज सेठ गोविंद राम का ये जो मौज मस्ती का रवैया था सारे लोग सारा दोस्त उन्हीं के इस एटीट्यूड पर उन्हीं के इस स्वभाव पर मढ़ रहे थे लापरवाही पूर्वक जो उनका रवैया था बिजनेस के सिलसिले में और वो बड़े प्लेजर लविंग पर्सन माने जाते थे मौज मस्ती करने वाले द सेठ हैड फ्लेट द स्टेट सेठ वन एक ने कहा कि भाई सेठ तो ये राज्य छोड़कर भाग चुका था ही हैड फ्लेट द कंट्री वो तो कंट्री छोड़कर भी भाग चुका था लोग अलग अलग अंदाजा लगाने लगे सेठ सेड एना दूसरे व्यक्ति ने कहा अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन टाउन और कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो शहर में ही कहीं छुपा हुआ था हु हैड अ रिलेटिव वर्किंग एज अ क्लर्क इन द बैंक उन्हीं में से किसी का एक रिलेटिव था संबंधी था जो बैंक में क्लर्क का काम करता था डिसाइडेड टू कॉल ही उसने तय किया कि भाई मैं उन्हें कॉल करूंगा और जो सच्चाई है उसका पता लगाऊंगा आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट सेट द कलर्क क्लर्क ने कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज हियर ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ इस चीज़ को छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता कि आधे से ज़्यादा शहर यहाँ है अपने अपने पैसे निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को छोड़कर तो मैं ये कुछ नहीं जानता बाकी बातें क्लर्क ने कहा एवरी वन सीम्स टू हैव गॉन मैड ऐसा लगता है कि सारे लोग पागल हो चुके हैं देयर इज अमर दैट नन ऑफ यू हैज बिन पेड तो इन्होंने कहा जिनके वो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा एक अफवाह फैली हुई है कि तुम में से किसी को भी पे नहीं किया गया है पेमेंट नहीं मिला है वेल द हैव हैड देयर सैलरीज ठीक है क्लर्क्स लोगों को सैलरी मिल चुका है वी वुडन्ट बी वर्किंग अदरवाइज सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर्स आर गेटिंग पेड लेट ऐसा हो सकता है कि कुछ जो पार्ट टाइम वर्कर्स इस फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए जो काम करते हैं वर्कर यहाँ उनको सैलरी थोड़ी देर से मिल रही है बट दैट इज एंड ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ मनी लेकिन ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि पैसे की कमी है पैसे की कमी के कारण से ऐसा नहीं है इट्स जस्ट दैट ऐसा सिर्फ इसलिए है कि द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट्स इज ऑन सी वो क्लर्क जो उनके पेमेंट की देखरेख करता है वो बीमारी की वजह से छुट्टी पर है यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू हिज वर्क डू यू और आप मुझसे उसका काम करने की उम्मीद नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते एंड ही पुट द टेलीफोन डाउन और ऐसा कह के उस क्लर्क ने फोन को नीचे रख दिया कट कर दिया Now come to the next paragraph. बाई आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी मनी एंड द हायरेस्ट बैंक मैनेजर वाज हेल्पलेस दोपहर तक बैंक जो था जितने भी रेडी मनी थे उसके पास यानी कैश मनी दैट इज़ बैंक हैज़ अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन्स बैंक में जो कैश मनी होता है जो ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरी होता है और नियमित तौर पर जो ट्रांजेक्शन के लिए पैसे बैंक में रखे जाते हैं उसे ही रेडी मनी बोला जा रहा है दोपहर तक जो भी कैश था बैंक में वो सारा का सारा समाप्त हो चुका था एंड द हरस्ट बैंक मैनेजर वाज हेल्पलेस वो थका हुआ परेशान जो बैंक मैनेजर था वो बिल्कुल असहाय हो चुका था इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑप्टेन फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स इमरजेंसी फंड सिर्फ किसी सरकारी बैंक से ही प्राप्त किया जा सकता था इमरजेंसी यानी कि द फंड्स और द कैश और मनी दैट कुड बी यूज इन क्रिटिकल सिचुएशन दैट मनी इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड एंड नाउ इट वॉज नियरली क्लोजिंग टाइम और अब ये लगभग बैंक के बंद होने का समय हो गया था द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर्स सरकारी बैंक में तो क्लर्क ने अपने काउंटर भी बंद कर दिए थे बट पीपुल गैदर्ड आउटसाइड लेकिन लोग बाहर जमा हो गए थे ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक बैंक की सीढ़ियों पर शाउटिंग चिल्ला रहे थे वी वांट आवर मनी हम अपना पैसा चाहते गिव इट टू अस स्टूडे और वी विल ब्रेक इन पैसा हमें आज दो नहीं तो हम बैंक को तोड़ देंगे तोड़कर बैंक में अंदर घुस जाएंगे फेच सेठ गोविंद राम फेच का मतलब होता है गो एंड ब्रिंग समथिंग और समबडी जाकर किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने साथ लेकर आना इसी को फेच बोलते हैं जाओ और जाकर सेठ गोविंद राम को लेकर आओ वी नो ही इज हाइडिंग इन द वॉल्ट हम जानते हैं कि वो वॉल्ट में छुपा हुआ है वॉल्ट स्ट्रांग रूम को बोला जाता है जिसमें कैश पैसे रखे जाते हैं जो बैंक का सेफ होता है उसी को वर्ल्ट बोलते हैं इसका मीनिंग विस्तार से आपके बुक में दिया गया है रूम्स विथ थीक वॉल्स एंड स्ट्रांग डोर्स जिसकी दीवारें दरवाजे मजबूत होते हैं वेयर मनी एंड अदर प्रीसियस आइटम्स आर केप्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बींग स्टोर चोरी से बचने के लिए जहाँ पर पैसे और अन्य कीमती वस्तुएँ रखी जाती हैं उसे वॉल्ट्स बोला जाता है मिसचिफ मेकरस यानी अनसोशल यान एलिमेंट्स मिसक्रियट्स शरारती तत्व जिनको हिंदी में बोलते हैं डिड नॉट है पैसा इन द बैंक जिनका एक पैसा भी बैंक में नहीं था ज्वाइंट द क्राउट वो भी भीड़ में जमा हो गए शामिल हो गए द मैनेजर स्टूड एट द डोर मैनेजर दरवाजे पर खड़ा हो गया था एंड ट्राइड टू कम हिज एंग्री कस्टमर्स अपने गुस्से से भड़के हुए गुस्से में आए हुए अपने ग्राहकों को उसने शांत करने की कोशिश की थी ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी उसने घोषणा किया था कि वही बैंक के पास काफी पैसा है हमारे बैंक के पास काफी पैसा था प्लेंटी ऑफ मनी का मतलब है ढेर सारा पैसा दैट दे कुड्रॉ ऑल दे वांटेड द नेक्स्ट मनी जो वे लोग पैसा अपना निकाल सकते हैं ऑल दे वांटेड जो भी वो चाहते थे अपना पैसा वो निकाल सकते थे द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उसने घोषणा की हमारे बैंक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है ढेर सारा पैसा है जो भी चाहते हैं अपना पैसा निकालना वो निकाल सकते थे लेकिन अगली सुबह वी वांट इट नाउ विदड्रॉ का मतलब हुआ टू टेक आउट मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट अपने बैंक के खाते से पैसा निकालना उसे विदड्रॉ बोलते हैं और बैंक में पैसे जमा करना उसको डिपॉजिट बोला जाता है वी वांट इट नाउ चैंटेड द पीपुल नाव 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 लोग शोर मचाने लगे चिल्लाने लगे नहीं हम अपना पैसा अभी चाहते हैं अभी 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 चाहते हैं चैंट का मतलब होता है वैसे जो एक्चुअल जो मीनिंग है इसका चैंट का इसका मीनिंग होता है टू सिंग अ सॉन्ग और टू रिपीट अ प्रेयर और सॉन्ग अ श्लोक श्लोक हो गया चाहे प्रेयर हो गया कोई सॉन्ग हो गया उसको बार बार रिपीट करना इसी को चैंट बोला जाता है इफ यूर स्टोन्स वेयर थ्रोन कुछ पत्थर भी फेंके गए थे एंड द मैनेजर रिट्रीटेड इनडोर्स मैनेजर जो था वो पीछे अंदर जाकर छुप छुप गया था रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना टू मूव बैक और टू स्टे अवे अलग हो जाना या पीछे हो जाना उसे ही रिट्रीट बोला जाता है क्लोजिंग द आयरन ग्रिल गेट लोहे की ग्रिल की जो ए ब्रिक हॉटल थ्रू द एयर हवा में लहराता हुआ बड़ी तेजी से एक ईंट का टुकड़ा जो था वो बैंक की तरफ उछाला गया एंड स्मैश्ड इनटू द प्लेट ग्लास विंडो ग्लास की जो विंडो थी वो चूर चूर हो गई स्मैश का मतलब होता है क्रैश टू ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेज स्मैश का ये मतलब होता है टू ब्रेक इनटू अ स्मॉल पीसेज तो वो जो प्लेट ग्लास का टुकड़ा था खिड़की था वो चूर चूर हो गया विच एडवर्टाइज द बैंक्स एसेट्स जिस पर बैंक की संपत्ति के बारे में एडवरटाइज किया हुआ था लिखा हुआ था प्रचार सामग्री लिखी हुई थी एसेट बोलते हैं वैल्यू ऑफ मोनेट्री बेनिफिट या वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ मोनेट्री वैल्यू इसी को एसेट बोला जाता है देन द पुलिस अराइव्ड तब पुलिस आ गई थी द क्लाइम द स्टेप्स ऑफ द बैंक पुलिस वाले बैंक की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए एंड पुश द क्राउड बैक और भीड़ को पीछे धकेल दिया अंटिल द पीपुल बिगेन फॉलिंग ओवर इच्छर जब तक कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने ना लगे थे तब तक पुलिस ने सबको पीछे की ओर धकेल दिया ग्रेजुअली एवरी वन डिस्पर्श ग्रेजुअली का मतलब होता है कंटिन्यूसली बट स्लोली धीरे धीरे क्रमशः सारे लोग वहाँ से डिस्पर्श हो गए तितर बितर हो गए यहां वहां चले गए डिस्पर्स का इंग्लिश में मीनिंग होता है मूवड अपार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलग अलग दिशाओं में चले जाना शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग और चिल्लाते हुए लोग गए कि वे लोग सुबह में वापस आएंगे नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक नाथू जो स्वीपर बॉय था सुबह में आया था अगली सुबह बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने ही सौ द रिफ्यूज उसने ढेर सारा मलबा कूड़ा कचरा देखा वेस्ट मटेरियल रिफ्यूज का मतलब वेस्ट मटेरियल दैट हैज बीन थ्रोन अवे एंड द ब्रोकन ग्लास कांच के टूटे हुए टुकड़े देखे एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स बैंक की सीढ़ियों पर यहां वहां पत्थर बिखरे हुए देखे उसने क्लटरिंग का मतलब स्कैटरिंग हुआ बिखरे हुए यहां वहां रेजिंग हिज हैंड्स इन हॉर डर के मारे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया ही क्राइड और गुंडाज़ होलीगेंस बोलते हैं क्रिमिनल्स को विलन्स को मिस्क्रिय को अनसोशल एलिमेंट्स को मे सफर फ्रॉम अ थाउजेंड और वो उन सब के बारे में बुरा भला कहने लगा उनको श्राप देने लगा उनके साथ बहुत बुरा हो उनको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़े उसने जब ये हालत देखी अपने बैंक की इट वॉज़ बैड इन ऑफ बींग पेड रेगुलरली वो कह रहा है कि ये अनियमित रूप से पैसे मिलना बड़ी बुरी बात थी नाव आई मस्ट सफ़र एन इनक्रीज ऑफ वर्क अब मुझे उस ज़्यादा काम की वजह से निश्चित रूप से सफ़र करना पड़ेगा पीड़ित होना पड़ेगा परेशान होना पड़ेगा बढ़े हुए कार्य की वजह से ही स्मैक्ड द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्मैक का मतलब होता है हिट हार्ड ऑन सरफेस उसने अपने झाड़ू को झाड़ू को बैंक की जोर जोर से पटका स्कैटरिंग द रिफ्यूज और जो वेस्ट मटेरियल्स वहाँ पड़े थे वो इधर उधर बिखरने लगे गुड मॉर्निंग नाथू सेठ सीताराम सीताराम वो जो वासरमैन का लड़का था वहाँ से गुजर रहा था उसने कहा गुड मॉर्निंग नाथू नाथू को विश किया गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज वाइफ अपने साइकिल से उतरते हुए आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या तुम अगले महीने की पहली तारीख से अपने लिए नया जॉब लेने के लिए तैयार हो नई नौकरी पकड़ने के लिए करने के लिए तैयार हो व टू आई सपोज मैं मानता हूं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा नाउ दैट द बैंक इज क्लोजिंग क्योंकि अब तो ये बैंक बंद हो रहा है वॉट डिड यू सेड नाथ नाथू ने कहा यह तुमने क्या कहा बैंक बंद हो रहा हैड क्या तुमने नहीं सुना द बैंक गॉन बैंक द बैंक हैज गॉन बैंकप्टे बैंक जो है वो दिवालिया हो चुका है कंगाल हो चुका है विनाश के कगार पर है यू हैड बेटर हैंग अराउंडल द अदर्स अराइव हैंग अराउंड का मतलब होता है टू अ स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम कहीं पर कुछ समय के लिए मतलब रुके रहना कहा कि अंटिल द अदर अदर्स अराइव वो कहा सीताराम ने वासरमैन के लड़के ने नाथू को कहा यू हैड बेटर हैंग अराउंड तुम्हें यहां देर तक रुकना चाहिए जब तक कि दूसरे नहीं पहुंच जाते हैं हैंग अराउंड एक फ्रेजल भर्व होता है इसका मतलब होता है टू स्टे और हैड बेटर का मतलब मैंने पहले भी बताया था इट इज़ सिमिलर टू शुड इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस टू someone तो उसने कहा सीताराम ने कि अच्छा होगा कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए जब तक कि दूसरे नहीं पहुँच जाते हैं एंड देन स्टार्ट डिमांडिंग और उसके बाद फिर तुम अपनी मांग करनी शुरू कर दो कौन सी मांग थी भाई योर मनी टू फिर तुम भी अपने पैसे की मांग करना शुरू कर देना यू विल बी लक्की इफ यू गेट इट तुम भाग्यशाली हो गए यदि तुम अपने पैसे पा लेते हो ही वेव्ड चीयरफुली चीयरफुल यानी हैप्पली खुशी से सीताराम ने अपना हाथ हवा में ऐसे लहराया एंड पेडल्ड अवे ऑन हिज बाइसिकल और अपने साइकिल पर आगे की ओर वो बढ़ गया साइकिल चलाता हुआ पैडल अवे ऑन हिज बाइसिकल का यहाँ मतलब हुआ टू राइड ऑन ए बाइसिकल नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू तो हिमसेल्फ नाथू वापस बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने चला गया अपने आप से कुछ बड़बड़ाता हुआ बुदबुदाता हुआ बोलता हुआ वेन ही हैड फिनिश्ड जब उसने पूरा कर लिया था ही सैट डाउन ऑन द बॉटम स्टेप बॉटम स्टेप पर सीढ़ी पर वो बैठ गया था टू वेट फॉर द मैनेजर मैनेजर का इंतजार करता हुआ ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे आज उसने तय कर लिया था ये अपना पैसा वापस वो लेकर रहेगा जो सैलरी उसकी पिछले कई महीनों से पेंडिंग थी उसने तय कर लिया था हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कॉल एप्स ही सेट उसने कहा अपने आप से कह रहा था ही सेट टू हिमसेल्फ किसने ऐसा सोचा होगा कि यह बैंक बंद हो जाएगा दिवालिया हो जाएगा एंड लुग्ड थाटफुली एक्रॉस द स्ट्रीट गली के उस पार सड़क के उस पार बड़ा ही विचार मग्न होकर देखने लगा था आई वंडर हाउ इट कूड हैव है वो कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे ये सब हो कैसे सकता है तो नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं फ्रेजेज हैं सारे एक्सप्लेन करूँगा और इसके एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन करूँगा सो थैंक यू हैव अ नाइस डे।